करते हैं शिवराज के राज में सड़ते प्याज की। कभी शिवराज के राज में प्याज सड़ जाता है तो कभी टमाटर बर्बाद हो जाता है, फ्री में बांटने की स्थितियां बन जाती हैं। इस बार प्याज की बंपर फसल हुई है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, जिसके चलते प्याज की कीमत गिर गई है। और इसके बाद शिवराज सरकार ने प्याज खरीदने का फैसला किया। आनन फानन में प्याज को खरीद भी लिया गया, लेकिन स्टोरेज की जो एक अरेंजमेंट होने चाहिए वो वहां पर नजर नहीं आते हैं। प्याज खरीद लिया गया, लेकिन उस तरीके से वहां पर स्टोरेज स्पेस है नहीं, जिस वजह से अब प्याज सड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एमपी के खंडवा में सही रख रखाव ना होने की वजह से हजारों क्विंटल प्याज सड़ने लगा। यहाँ 20 दिन में करीब 21,000 क्विंटल प्याज खरीद कर निजी गोदामों में रखा गया था, लेकिन प्याज सड़ने लगा। हैरान परेशान अफसरों को भी अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्याज को सड़ने से कैसे बचाया जाए। प्याज खरीदने का काम एमपी मार्केटिंग फेडरेशन कर रहा है, तो वही रख रखाव का जिम्मा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पास है। अब ये सोचिए कि अगर ये प्याज जो बर्बाद हो रहा है यूं ही बर्बाद होता रहा, तो फिर से एक तरीके से जो प्याज की कमी है वो अगर होती है तो अब दाम बढ़ते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?